आगमन का किताब उसका 33वां अध्याय 7 से लेकर के 11 तक का वचन है। इधर हम देखते हैं, हेडिंग में लिखा है मिलाप वाला तंबू। मेरा पीछे बोलिए मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू। तो मिलाप वाला तंबू का मतलब जानते हैं, इसका मतलब है इंग्लिश में टेंट ऑफ मीटिंग, मिलने का एक जगह। इधर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए एक अलग जगह को, मिलाप वाला तंबू को बना करके परमेश्वर से मिलने के लिए चले जाते हैं। 33 अध्याय चैप्टर 33 7 पद से लेकर के 11 पद तक, मेरा पीछे बोलिए इस प्रकार यहोवा ने मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है कोई मित्र एक मित्र से आमने सामने में बातें करते थे, उसी प्रकार मूसा ने परमेश्वर से क्या करते थे, बातें करते थे। एक आदमी आज मेरा डेली डिवोशन में लिखा है कि इस प्रकार लिखा है, एक रिचर्ड करके डॉक्टर रिचर्ड ने बताया, वी मस्ट हैव सम रूम टू ब्रीथ। कुछ लोग इतना काम करते हैं सांस लेने का समय नहीं है, बात समझ रहे हैं, सांस लेने के लिए। उन्होंने बोला रिचर्ड, डॉक्टर रिचर्ड ने बोला हम लोग के जीवन में सांस लेने के लिए कुछ समय जरूरी है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे लोग का कॉपी में हम लोग, आप लोग देखा होगा एक तो मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन बनाते हैं ना लिखने का पहले काली जगह, मेरा पीछे बोलिए मार्जिन। हर पेज में एक मार्जिन रहते हैं, मतलब एक खाली जगह। वो मार्जिन यही हमें दिखाते हैं कि हम सबके जीवन में देयर मस्ट बी अ टाइम ऑफ मार्जिन। मूसा बहुत व्यस्त आदमी था। उसी अध्याय की यदि हम लोग पढ़ेगा उसी में हम देखते हैं कि मूसा उन लोगों के बीच में काम करते थे। तीसरा पद में लिखा है लोग हटीले थे और उनका बीच में उस प्रकार की लोग थे परमेश्वर का जो है बात को नहीं मानते थे, और वैसा लोग के बीच में मूसा काम कर रहे हैं। अभी मूसा के जीवन में पुरुषत नहीं है, उतनी हजार लाख को लोग हैं, परेशानी मूसा के जीवन में बहुत बढ़ गई। तब उनका ससुर जी बोला तुम गलत कर रहे हैं, तुम हजार लोग के ऊपर में एक आदमी, 100 के ऊपर में एक आदमी, 50 के ऊपर में एक आदमी, सब ग्रुप डिवाइड करो, वो लोग को सबको बोलो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो वो लोग से नहीं होगा वो आपके पास आने दीजिए, नहीं है तो तुम परेशान हो जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देते परमेश्वर को, परमेश्वर ने जो जो बातें मूसा से बोला सब बात मूसा ने किया है। इधर मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला, जब कभी भी मूसा को परमेश्वर से बातें करना है तो क्या करना है, उस मिलाप वाला तंबू में जा करके। लोग के विषय में 5 पद में लिखा है कि लोग जो हैं हटेली हैं और जो हैं परमेश्वर की बात को नहीं मानने वाला लोग हैं, स्टबोन। इंग्लिश में लिखा है देवर स्टबोन, वैसा लोग है, हटीले लोग, रिबेलियंस लोग, बात बोलते हैं तो
बात नहीं सुनने वाला एक झुंड वैसा लेकर चल रहे हैं। एक बार परमेश्वर का क्रोध ऐसे आ गया, मूसा को बोला, मूसा मैं इस सबको नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें एक जाति बना दूंगा। मूसा बोला वैसे नहीं है प्रभु, यदि कुछ हो जाएगा तो वो लोग मिस्रेम का लोग सुनेंगे, बोलेंगे कि लोग को मिस्रेम से निकाल करके इस मरुभूमि में मार डालने के लिए ले आया। मूसा उन लोग के लिए विनती करते थे, वैसा लोग के बीच में मूसा काम करते थे, पर मूसा के लिए ये भी बहुत जरूरी था। सात पद में हम लोग देखते हैं, मूसा तंबू के चावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करते थे एक तंबू को, उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। सब लोग जिधर रहते हैं, लाखों लोग, 6 लाख पुरुष था, यदि उतना स्त्री दो दो बच्चा भी होगा तो कितना लाख हो गया। एक मूसा चला रहे, जब कभी भी उनको परमेश्वर से बातें करना है, आगे इस बात को हम देखते हैं, जब जब मूसा तंबू के पास जाता था तब तब जो है लोग उठकर अपने आप अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़ा होते हो जाते थे। जब जब मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसी ओर ताकते रहते थे। मिलाप वाला तंबू में 7 पद का दूसरा भाग में लिखा, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। तो हमारे लिए बहुत अनुग्रह की बात है, एक मिलाप वाला तंबू प्रभु ने हमारे लिए दिया है। इसलिए हम शुरू में आपको बताया, जब कभी भी आपको आने के लिए चाहते हैं, आपके लिए स्वागत है, आप आइए। मूसा जिस प्रकार परमेश्वर के सामने में परमेश्वर से बातें करने के लिए आते थे, उसी प्रकार उस मिलाप वाला तंबू में, इस मिलाप वाला तंबू में आकर के परमेश्वर से मिलिए। जैसे मैंने आपको बताया, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उत्तर कर तंबू के द्वार पर खड़ा जाता था। हालेलुया। कई बार मैंने उदाहरण बताया, जब प्रार्थना करते हैं, आप इधर आराधना करते हैं, लोग बाहर से देखेंगे इधर एक बादल का खंभा इसके ऊपर में है, हो सकते हैं आग का खंभा इसके ऊपर में। कई बार मैंने उस उदाहरण बताया जो आगरा में जो बुलन देवी का ग्रुप का एक आदमी बदमाश डाकू एक बार चंबल की जंगल से बाहर आए तो उन्होंने देखा एक चर्च जल रहे, पूरा डर गया, खिड़की से जाकर के देखा अंदर में लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। उसी दिन वो अंदर में घुस करके पश्चाताप करके प्रार्थना करके यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना गलती को छोड़ दिया। मैं आगरा होकर के गुजर रहे थे उस समय, उधर का लोग बोला आप तो युद्ध विद्या मिशन का जवान की लीडर है, इधर भी एक जवान के लीडर है, उनसे आप मिल करके जाइएगा। मैंने उनसे मिलने के लिए गया, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला आप अगला बार जब भी आएगा मेरा रूम का बगल में घर का बगल में एक रूम बनाया पास्टर लोग के लिए। बोला बहुत बदमाश थे, बोला उनका साथ में बोलन देवी और एक कुशवंदर सिंह, बोला वो दोनों जेल में है, हम प्रभु को ग्रहण किया इसलिए हम भागर है, नहीं है तो हम जेल में रहते या मुझको कोई मर्डर कर दे, मैं यीशु को अपनाया इसलिए मैं अभी आपसे मिल रहे। बोला 500 जवान है मेरे अंडर में जिसको मैं लीडिंग करता हूँ, अच्छाई के लिए लीडिंग करता हूँ, पहले मैं जवान को बुराई के लिए लीडिंग करते थे, मैं अभी अच्छाई के लिए लीडिंग करता हूँ। उनको सुन करके मुझे बहुत ही आनंद आया है। तो मैं विश्वास करते हैं बादल के खंभे उस तंबू की ऊपर में आकर के खड़ा रहते थे जब मूसा उसके अंदर में प्रवेश करते थे। फिर हम लोग पढ़ करके सुनाए थे, यहोवा मूसा से आमने सामने में बातें करता था। बोले हालेलुया। इधर आकर के आगे से कोई आपको बोलने का जरूरत नहीं है, ताली बजाइए, गीत गाइए,
आंख बंद कीजिए, गुड नाटे में आइए। कोई बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को यदि प्रभु के लिए दे दिया है, उसमें यदि लीन हो गया है, एक तो गीत भी है ना, आ वो फूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। मैं आशा करते हैं हम भवन में आते हैं, इस मिलाप वाला तंबू में आप और हम जब आते हैं, क्या के लिए आते हैं? परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। मैं विश्वास करते हैं प्यारों, हम जब इस मिलाप वाला तंबू में जब आ जाते हैं, यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह भी लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 16 पद, लूका 5:16 में हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह भी बहुत सेवकाई करते थे, बहुत व्यस्त रहते थे। 5:16 में इस प्रकार लिखा है, 15 उससे पहले सब में देखे तो बहुत भीड़, बीमारी लोग, परेशानी लोग, दिन भर बहुत व्यस्त रहते थे। यीशु मसीह क्या करते थे? सारा सेवकाई के बाद वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बोले हालेलुया। यदि यीशु मसीह को अलग जाकर के यदि प्रार्थना करना है, यदि मूसा को मिलाप वाला तंबू में जाकर के यदि प्रार्थना करना है, आपको हमको कितना अधिक। मैं आज एक आर्टिकल में पढ़ रहे थे एक भाई के विषय में, भाई एडविन के विषय में। वो छोटा उम्र में जब स्कूल में, हाई स्कूल में, जैसे मैं 14 साल में प्रभु को ग्रहण किया है, हाई स्कूल में भाई एडविन जो है था उस समय वो प्रभु को ग्रहण किया। लंच का समय में वो लंच नहीं खा करके वो प्रार्थना के लिए, उनका स्कूल में एक प्रार्थना के लिए एक चैपल था, उसी में जाकर के वो प्रार्थना करते थे। स्कूल की बात आप जानते ही हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स हैं और स्कूल का बहुत सारी काम है और इसके बाद दोस्त लोग हैं और इस सब चीज होने के कारण से उनको परमेश्वर का साथ जो है काम समय बिताना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मगर जवान लड़का, इस आर्टिकल में लिखा है, जवान लड़का एडविन, ही वॉज हंगर्ड फॉर मोर ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए वो बहुत भूखा था। इस कारण से वो क्या करते थे, हर दिन सुबह 5 बजे उठ करके अकेला में जाकर के प्रभु से बातें करते थे। इसके बाद में अपना स्कूल में भी टिफिन का टाइम में टिफिन नहीं खा करके आधा घंटा चैपल में जाकर के प्रार्थना करते थे। बाद में उनके जीवन में प्रभु ने उनको एक मिशनरी के रूप में अफ्रीकन देश में भेजा। कारण क्या है? वो शुरू में प्रभु में जब आया उस समय ही अपने आप को प्रभु के लिए समय दिया है। तो आप ही और हम भी मूसा का समान और जीसस की समान हम अपने आप को प्रभु की कार्य के लिए हम तैयार करें। यीशु मसीह भी जो है वजन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह अपने आप को भोर होते ही वो जो है भोर फटने से पहले जंगली स्थानों में जाकर के वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। चेले लोग को उन लोग को बुलाने से पहले रात भर इस मसीह ने प्रार्थना किया। तो इसलिए भाई एडविन की बातें मैंने बता रहे थे, अभी वो एक मिशनरी है। प्यारो हमारे जीवन में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। मूसा के जीवन में और दानियल के जीवन में, दानियल का किताब 6 अध्याय में आज हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। जब राजा की ओर से दानियल का विरोधी लोग जाकर के बोला, 1 महीना के लिए केवल राजा से ही प्रार्थना करना, अन्यथा उस जो है शहर की गुफा में गड्ढा में वैसा व्यक्ति को डालना है। वचन में लिखा है दानियल को जैसे ही पता लगा, दानियल दिन में 3 बार
वचन में लिखा है जैसे ही करते आया उसी प्रकार ऊपरी मंजिला में जाकर खिड़की को जो है यरूशलेम की ओर खोल करके तीन बार प्रार्थना की। उनका विरोधी लोग जाकर के देखा वो प्रार्थना कर रहे राजा से नहीं जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। राजा को जाकर के बोला देखे ऐसे ऐसे दानियल कर रहे, उसको शहर की उस गड्ढा में गुफा में डालना चाहिए, डाल दिया। मगर रात भर राजा सोया नहीं, शहर जो है उपवास किया, दानियल आराम से सोया। बोले हालेलुया। दूसरा दिन राजा जाकर के बोल रहे हे दानियल मैं जानता हूं तुम सच्चा जीवित परमेश्वर का दास हो, मैं पूर्ण विश्वास हूं तुमको परमेश्वर ने शहर के मुंह से बचाया है। दानियल उत्तर दे रहे हे राजा मैं आपका सामने में भी परमेश्वर के सामने किसी का सामने में मैं कोई गलती नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेज करके सर की मुंह को बंद कर दिया, सिप डाल दिया या लोक कर दिया। राजा उसको बाहर लाया। इसके बाद राजा बोला पकड़ो उन लोगों को जो इनको विरोध में षड्यंत्र रचाया। आत्मा में होकर के मैं आपको बताना चाहते हैं जो आपका विरोध में जो षड्यंत्र बजाते हैं उनको प्रभु सजा देंगे। मैं विश्वास करता हूं, मैं ओपनली नहीं बताना चाहते हैं। पिछले दिनों में जिस बात के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने हमारा प्रार्थना को सुना है। बोले हालेलुया। और मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं दानियल का परमेश्वर जो उस दानियल का भी परमेश्वर है कि नहीं। दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। बोलिए दानियल का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है जो हमारा विरोधी है। वचन में लिखा है राजा ऑर्डर दिया उस सबको पकड़ करके लाओ, डाल दो उस गड्ढा में उनको। वचन में लिखा है जैसे ही वो डाला पूरा नहीं पहुंचा उससे पहले शेर जो है जंप करके उसको पकड़ करके खा लिया। बोले हमारा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, यीशु मेरे लिए जिंदा है, मैं उनके लिए जिंदा है, इसलिए मैं आज बोलिए इसलिए मैं आज निर्णय लेता हूं। छोटा बच्चा बड़े लोग सब लोग निर्णय लेता हूं मैं अकेले प्रभु के साथ समय दूंगा। जैसे मूसा मिलाप वाला तंबू में जाकर के प्रार्थना करके उतना बड़ा लाखों का भीड़ को अगुवाई करने के लिए प्रभु ने उनको अगुवाई किया है, जैसे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के काल में उतनी बड़ी भीड़ के लिए उन्होंने भी कभी रात भर कभी शाम में कभी सुबह पहाड़ों में जाकर सुनसान जगह में जाकर के प्रार्थनाएं करते थे। दानियल का जीवन में भी जब उनका विरोध में जब चिट्ठियां निकला, हम यदि आगे बढ़ेंगे एस्तेर का जीवन में मोर्देकाई का जीवन में किस प्रकार प्रभु ने कार्य किया है, जब लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है उपवास करने के लिए शुरू किया है वो परमेश्वर आज भी जीवित है। तो इसलिए आज है, सब लोग बच्चे लोग भी आगे में बैठे हैं हॉस्टल में रहने वाला घर में रहने वाला कम से कम 15 मिनट से आपको शुरू करना। मेरा पास एक गाइडलाइंस है, बहुत सारी गाइडलाइंस है मगर पढ़ करके नहीं सुना है। हम सोचे 12 बजे बंद करेंगे, 5 मिनट आगे बढ़ गया है। Choose a specific place where you won't be interrupted. ऐसे जगह को आप तैयार करना है जो कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और इस समय को भी आपको सेलेक्ट करना है। Set aside a certain period of the day, one that suits you, keeping in mind that God deserves our best, not our leftover time. बेस्ट सही प्रभु को देना, अच्छा चीज सही प्रभु को देगा, प्रभु आपको भी अच्छा चीज देगा, है कि नहीं? वचन में लिखा है जिस नाप से तुम नापेंगे उसी नाप से तुम्हें भी मिलेगा। समय पर आ रहे 24 आवर्स में आप सोचिए सबसे अच्छा समय कौन सा है,
सबसे अच्छा समय सुबह का वक्त है कि नहीं? सुबह का वक्त तड़के उठकर भागना नहीं, तैयार होकर के स्कूल के लिए, ड्यूटी के लिए या खेत के लिए आपको बैठ जाना है। इसी में लिखा है कि शुरू करना है 15 से 20 मिनट, बाइबल को भी साथ में रखना, मगर बैलेंस करना है 15-20 मिनट केवल बाइबल पढ़ते ही रहे। बाइबल पढ़ना है, कुछ समय में हमें शांत में भी बैठना है। प्रभु हमसे बात करेंगे, प्रभु आपको बोलेंगे दिन भर में क्या क्या आपके जीवन में बीतने वाला है, पहले ही प्रभु आपको बोल देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा उस दिन को फेस करने के लिए। मैं विश्वास करते हैं उसी प्रकार जब आप शुरू करेगा तो वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, फिर आप सोचेंगे कि दिन भर में जितना भी घंटा मिलेगा तो और प्रभु की उपस्थिति में आनंद लेना चाहते। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु हमें सहायता और मदद करेंगे। आइए हम अपना आंखों बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम वाज कॉल्ड गॉड्स फ्रेंड। अब्राहम के विषय में कहते हैं परमेश्वर का दोस्त। क्या आप आज परमेश्वर को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु आप प्रभु से आप बोलिए, मैं आपको बोल रहे कि आप सच्चा जीवित परमेश्वर को आपका जीवन का अच्छा दोस्त बनाइए। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, मूसा परमेश्वर से एक दोस्त, एक मित्र, एक दूसरा मित्र से बातें करते हैं, उसी प्रकार हमने सामने में बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वजन हम बोलना चाहते हैं, सब लोग खड़ा हो जाइए। मां मैं एक वजन और आपका सामने में युगना सुसमाचार उसकी 14:15 मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। सब लोग आंख बंद कर लीजिए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र होंगे। हालेलुया। जो वचन आपको प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसको यदि मानेगा तभी आप यीशु मसीह का मित्र होगा। यीशु मसीह अभी आपको कह रहे हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अभी से आप दास नहीं। यीशु बोल रहे अभी से तू मेरा दास नहीं। फिर कौन है? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। सब नौकर को, सब दास को मालिक नहीं बोलते कि मालिक क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए यीशु बोल रहे हैं कि क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करते हैं, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मेरा पीछे बोलिए, यीशु मेरा मित्र है, यीशु मेरा मित्र है। यीशु आपको बोल रहे हैं कि मैंने तुमको तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुने हैं वे सब तुम्हें बता दूंगा, बता दिए। पिता से सुन करके सारे बातें पुत्र ने हमें बताया, हमें मित्र बनाया। सब लोग अपना हाथ को छाती पर रखिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु में आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मित्र बनाना चाहते हैं। मैं आपके लिए जीना चाहते, यदि अभी तक यीशु मसीह को यदि कोई ग्रहण नहीं किया, आप पापी व्यक्ति है तो बोलिए मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे मेरा पाप से क्षमा कीजिए, मेरा पाप से क्षमा कीजिए प्रभु जी, मैं आपको मेरा जीवन का अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, आप ही मुझे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, हम जानते हैं प्रभु जी, मैं आज से दास नहीं, मैं आपका मित्र, आप मेरा मित्र हैं। आप सारा बात को मुझे बताएंगे ये मुझे मालूम है, इसलिए हमें अकेला समय बिताना है प्रार्थना में, उसके लिए आज के वजन हमें मदद कीजिए प्रभु जी। कई बार मैं सारा काम को अकेला करता हूँ, पढ़ाई करने वाला बच्चे लोग भी यीशु को बोलना है, पढ़ने किताब खोलने का पहले यीशु तू मेरा दोस्त है, मुझे मदद कीजिए, मुझे अनुग्रह कीजिए।